हे गाइस, क्या हालचाल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपने रियलमी या ओप्पो फोन पर ओरिजिनल आईफोन का कीबोर्ड और उसका इमोजीज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं, मेरे लेफ्ट हैंड पर है आईफोन 11, इसका इमोजी और कीबोर्ड का इंटरफेस अभी आप लोग देख पा रहे हो, और मेरे राइट हैंड पर है रियलमी का 5 प्रो जिसका कीबोर्ड अभी आप लोग देख पा रहे हो। तो वीडियो देखने के बाद आपका कीबोर्ड कुछ इस तरह होने वाला है, एकदम सिमिलर टू आईफोन जैसा, और आपका नॉर्मल सा एंड्रॉइड इमोजी भी आईफोन जैसा हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करके लास्ट तक देखते रहिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम इस टाइप्स के वीडियो डालते हैं। और ज्यादा बात हम नहीं करते दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो देखो यार, ये जो एप्पल का कीबोर्ड है वो लाने का दो तरीका है। पहला जो तरीका है उसके लिए आपको कोई भी एप्स इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, और जो दूसरा तरीका है दोस्तों उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करना है। बेसिकली आपके फोन के साथ जो डिफॉल्ट कीबोर्ड आता है वो है गूगल कीबोर्ड, आप लोगों को पता होगा। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे आपको कीबोर्ड खोलना है, देन इधर जो आपको सेटिंग का आइकॉन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है, देन जाना है थीम्स पर, और इधर आपका जो कलर्स का ऑप्शन है दोस्तों इस पर जो है थर्ड नंबर थीम आप लोग देख पा रहे हो, जस्ट इसको क्लिक कर देना है, देन ये कीबोर्ड्स इस ऑप्शन को ऑन कर देना है, ठीक है, देन अप्लाई। इतना सा करने के बाद दोस्तों आपका जो कीबोर्ड है वो ऑलमोस्ट iOS यानी आईफोन जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑलमोस्ट नहीं एकदम 100% iOS जैसा कीबोर्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है। तो आपको अपने प्ले स्टोर पर आके सर्च करना है ग्रीन एप्पल कीबोर्ड। देन आपको जो ऐप मिलेगा दोस्तों जस्ट आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसे आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दूंगा, आप चाहे तो उधर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। देन डाउनलोड होने के बाद आपको करना है ओपन, देन कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको पहले यह जो स्विच इनपुट मेथड है उस पर क्लिक करना है, देन यह जीबोर्ड सिलेक्टेड रहेगा, आपको यह जो सेकेंड ऑप्शन है वो चुनना है, देन फिनिश। बस आपका जो कीबोर्ड है दोस्तों वो ऐड हो गया है। तो यार अभी देखो, ओरिजिनल आईफोन का कीबोर्ड और हमारा जो रियलमी का कीबोर्ड है वो, आपको इधर कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा। दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं इमोजी के तरफ। अगर आप प्ले स्टोर से ग्रीन एप्पल कीबोर्ड को इंस्टॉल करे हैं, तो आप अगर इमोजी सेक्शन पर आएंगे तो आपको कुछ ऐसा अलग टाइप का इमोजी देखने को मिलेगा। हाँ यार, ये लेटेस्ट iOS का इमोजी बिल्कुल भी नहीं है, मेरे ख्याल से iOS 10 का इमोजी है जो कि बहुत ही आउटडेटेड है। सबसे बड़ी बात, ये जो इमोजी है सिर्फ ये कीबोर्ड पर ही दिखेगा। अगर आप ऐसे टाइप करते हो कोई इमोजी, तो आपका जो डिफॉल्ट एंड्रॉइड का इमोजी है वो ही देखने को मिलेगा। तो यार ओरिजिनल iOS 14 का इमोजी के लिए आपको प्ले स्टोर से और एक ऐप डाउनलोड करना है, ऐप का नाम है जेट फॉन्ट। तो अगर आप प्ले स्टोर पर ऐसे जेट फॉन्ट लिखकर सर्च करते हो तो ये जो पहला ऐप मिलेगा आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी बहुत लोग बोलोगे कि यार इतना सारा थर्ड पार्टी ऐप्स हम क्यों इंस्टॉल करें, कोई दिक्कत नहीं यार, ये जो इमोजी है एक बार आपने अप्लाई कर लिया उसके बाद ये आप जेट फॉन्ट ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है ओपन, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको एक इमोजी का एक सेक्शन मिलेगा, आपको इस सी ऑल पर क्लिक करना है, और इधर आपको दोस्तों iOS 14.2 का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग क्लिक करोगे नीचे आपका डाउनलोड ऑप्शन आएगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है इसलिए मेरा जो डायरेक्ट अप्लाई बटन दिख रहा है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको भी ऐसे अप्लाई बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। देन इधर आपको तीन अलग अलग मेथड बताएगा, आपका जो सेकेंड मेथड है दोस्तों सपोर्ट डे कैरेक्टर, इसको चूज करना है। देन आपके सामने ऐसा एक नोटिस आ जाएगा दोस्तों, आपको पहले ये जो इंस्टॉल बटन है इस पर क्लिक करना है, देन सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको जेट फॉन्ट को कर देना है क्लोज, देन जाना है आपका सेटिंग पर, उसके बाद लैंग्वेज एंड रीजन ऑप्शन पर जाना है आपको, देन रीजन आपका जो भी रहेगा, इंडिया रहेगा, बांग्लादेश रहेगा, जो भी रहेगा, आपको इधर से म्यांमार सिलेक्ट करना है, और थोड़ा स्क्रॉल अप करके आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस ऑप्शन पर। इधर आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों जिसका नाम रहेगा सपोर्ट डाई कैरेक्टर्स, आपको जस्ट ये ऑन कर देना है। अभी आपका जो iOS इमोजी है दोस्तों सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अभी आप आपका जो इमोजी है वो चेकआउट कर सकते हो, ओरिजिनल iOS 14.2 का इमोजी इंस्टॉल हो गया है, और ये इमोजी का लुक यार सच में काफी अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंड्रॉइड का इमोजी। यह था हमारा वीडियो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना। आप चाहते तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।